हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एबीसी आईडी किस तरह से हम बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरा रहे हैं और एग्जाम फॉर्म में इस बार से एबीसी आईडी आपकी होना अनिवार्य है। यदि आपकी एबीसी आईडी बनी होगी तभी आप आगे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एबीसी आईडी हम खुद बना सकते हैं या किसी एमपी ऑनलाइन पे जाके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी गाइडलाइन देंगे आपको कि यदि आप खुद अपनी एबीसी आईडी बनाना चाहते हैं तो किस तरह से एबीसी आईडी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमको www.digilocker.gov.in पोर्टल को ओपन करना है। इस पोर्टल को हम जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा हमारे पास और इसमें हमको हमारी बेसिक डिटेल फिल करना है। अब जो डिटेल आपको फिल करना है वो आपके आधार कार्ड के अनुसार आपको फिल करना है। इस तरह से आपको आपकी बेसिक डिटेल आधार कार्ड के अनुसार भरना है। इसमें आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है और एक सिक्योरिटी पिन डालना रहती है, 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन डालना है। ऐसी सिक्योरिटी पिन डालें जो आपको बाद में याद आए। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे डालना है। जैसे ही हम ओटीपी एंटर करेंगे इस तरह से हमारा अगले पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमको हमारा आधार वेरीफाई करना है, इसका मतलब जो आधार नंबर है हमको फिर से एक बार सबमिट करना है। ऐसा करने पर दोबारा एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी हमको फिर से इस पर डालना है हमारे आधार को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही हम अपना ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने एक पेज आएगा। इसके बाद हम सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एबीसी टाइप कर सकते हैं। एबीसी जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ नीचे आपको आप या एबीसी आईडी कार्ड दिखेगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पहले से फिल करी हुई आईडी और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको इसमें फिल करना रहेगा। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये पहले से ही फिल करा हुआ आएगा। इसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करना है। तो आइडेंटिटी टाइप आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक 13 डिजिट की आईडी होती है या एप्लीकेशन नंबर होता है जो आपके एडमिशन के टाइम जनरेट होता है, यदि आपके पास वो है तो आप वो डाल सकते हैं। यदि आपको आपका नामांकन नंबर मालूम है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके किया मैंने। अब टाइप सिलेक्ट करने के बाद मेरे को उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू डालने का मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करता हूँ। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने के बाद आपको एडमिशन ईयर डालना है। एडमिशन ईयर मतलब किस साल में आपका एडमिशन हुआ है। जैसे फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है तो उसको 2023 यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। तो इंस्टीट्यूट के नाम में आप जैसे अगर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो तो आपको बरकतुल्ला यहाँ पे सर्च करना है। ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अभी आपका आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो रही है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे इसके बाद इशूड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे आपका अपार या एबीसी का आईडी कार्ड दिखेगा। या डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें और पीडीएफ पर क्लिक करें। जैसे हम पीडीएफ पर क्लिक करेंगे इस तरह से हमारा ये जो एबीसी आईडी है वो बन चुकी है और इस तरह से आप ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इसको रख सकते हैं। इस तरह से हम सभी अपनी अपर आईडी बना सकते हैं। ये अपर आईडी जो है या एबीसी आईडी जो है वो सभी को बनाना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सभी के बच्चों को बनाना अनिवार्य है। यदि इस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमारे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आप
बनवा रहे हैं या किसी एमपी ऑनलाइन से बनवा रहे हैं तो उसका पीडीएफ का प्रिंटआउट निकला के फॉर्म भरवाते समय जरूर से साथ में।